नमस्कार, मैं हूं किंजल और आप देख रहे हैं ऑल्ट न्यूज। राहुल गांधी ने 3 अप्रैल को अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में एक रैली को संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने अपना नामांकन पत्र भी दाखिल किया। इसी रैली की ये तस्वीर पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। अक्सर गलत दावे शेयर करने वाले एक्स अकाउंट मिस्टर सिन्हा ने ये तस्वीर ट्वीट की और लिखा कि कांग्रेस की रैली में हरे झंडे दिखे और आगे लिखा कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि उनके घोषणा पत्र में भारत को एक इस्लामिक देश बनाने के बारे में सब कुछ था। वेरीफाइड एक्स हैंडल क्रिएटली ने भी ये तस्वीर ट्वीट की। बता दें कि कई मौकों पर इस अकाउंट ने भी गलत दावे शेयर किए हैं। देखते ही देखते ये तस्वीर वायरल हो गई। ऑल्ट न्यूज ने इस वायरल तस्वीर पर संज्ञान लेते हुए रिवर्स इमेज सर्च किया और हमें ये तस्वीर द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के 2019 के इस आर्टिकल में मिली। आर्टिकल में बताया गया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद आयोजित राहुल गांधी के रोड शो की ये तस्वीर है। उस वक्त भी इस रोड शो को लेकर ये दावा किया गया था कि राहुल गांधी की रैली में पाकिस्तान के झंडे लहराए गए। ऑल्ट न्यूज ने जांच की और पाया कि ये झंडे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के थे, न ही पाकिस्तान के और न ही इस्लामिक झंडे थे। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर में दोनों के बीच का अंतर साफ दिखता है। और तो और, क्रिएटली द्वारा 2024 की रैली का बताते हुए जो कंटेंट शेयर किया गया था वो सब पुराना निकला। ट्वीट में दिख रहा ये पहला वीडियो यूट्यूब पर जून 2019 में अपलोड किया गया था। इसमें दिख रहे झंडे भी IUML के हैं। ये दूसरा वीडियो भी साल 2019 का है। उस वक्त भी इस वीडियो को लेकर ऑल्ट न्यूज ने ये फैक्ट चेक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें हमने पाया था कि इसमें दिख रहे झंडे IUML के हैं। वहीं ट्वीट की गई ये तीसरी तस्वीर भी 2019 के वायनाड के एक रोड शो की है, जिसमें समर्थक IUML के झंडे लिए दिखते हैं। यानी आगामी चुनाव को लेकर विपक्ष नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए राइट विंग यूजर्स ने 2019 के पुराने विजुअल शेयर किए और ये झूठा दावा किया कि उनकी रैली में पाकिस्तानी और इस्लामिक झंडे लहराए गए थे, जबकि ये झंडे IUML के थे। 2024 के चुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर किए जा रहे ऐसे ही कई गलत दावों की सच्चाई जानने के लिए ऑल्ट न्यूज को फॉलो करें और हमारे साथ जुड़े रहिए।